आइए सुनते हैं फरहीन की कहानी, फरहीन की जुबानी। फरहीन, शादी कब हुई थी आपकी? अब से 16 साल पहले। 16 साल पहले प्यार मोहब्बत से शादी हुई थी? लव मैरिज थी। कितने टाइम शादी रही? मेरी 6 महीने शादी रही है, 7वें महीने रिदा हो गई, प्री मैच्योर थी तो 7वें महीने वो जिनसे हुई थी वो 6 महीने रह के और गायब हो गए। फिर ढूंढा उनको? ढूंढा, काफ़ी ढूंढा, तो जब नहीं मिला तो एक साल बाद, जब रिदा की पिताई से पहले, बाद में एक साल के बाद उसकी कॉल आनी शुरू हुई तो उसने कहा मेरा बच्चा दे दो। तो उसको ये नहीं मालूम था कि बच्चा है या बच्ची है। जब उसे पूछा कि ये बताओ बेटा है या बेटी है, तो फ़ोन बंद कर दिया। उसके बाद से आज तक कोई रास्ता नहीं है। परीन, जब बच्ची पैदा हुई थी आपकी, है जब रिदा पैदा हुई थी, और उसके बाद जब उसको एक बाप की शफकत के लिए उसको उसके बाप का बताना था, देखना था, उसको उसके बाप की गोद में देना, उसको देखना, वैसे तो ढूंढा उसको वैसे पागलों की तरह? नहीं, उसने क्योंकि मुझे डिच किया था, मैंने उसको एक साल बहुत तलाश किया था जब इसके कॉल्स नहीं आए थे, इसके दोस्तों में, बाप में, जब उसका कोई पता नहीं, क्योंकि उसने मुझे बेवकूफ़ बनाया था। असल अगर मैं देखूँ तो उसने मुझे बेवकूफ़ बनाया था। अगर मैं बिहाइंड द पास्ट में देखूँ कि यही मेरे साथ सूरत हाल उसने की, तो उसने एक तरह से मुझे या तो यूज़ किया शरई तौर के ऊपर। मेरी आज 15 साल है और 15 साल में मेरी बेटी को मैंने आज तक किसी नमाज में ये नहीं कहा कि उसका बाप लौट आए। क्यों? क्योंकि मैंने उसको, रिदा को, जिस तरह से एक छोटे से परिंदे की तरह संभाल के रखा है, तो मतलब मैंने अपनी तमाम चीज़ें, ख्वाहिशात, तमाम चीज़ों को साइड में कर दिया, क्यों मेरे बच्चे का मुस्तकबिल, फ्यूचर बहुत बेहतर हो जाए, एक वो माशरे में एक बेहतर शख्सियत की मालिक बन सके। मुझे इन्होंने बताया, आपको भी बताया था ब्रेक से पहले जब हम लाइव थे, तो एक ऐसी भी दुकान में काम करना पड़ा इनको, इनकी अपनी लगाई हुई दुकान थी रोड पे, जिसमें इनको सिगरेट्स और पान और इस तरह की बोतलें वगैरह ऐसे बेचनी पड़ती थी, सिर्फ इसलिए कि वो पैसा कमा के अपने घर पे जाके तो अपनी बच्ची को रिस्क खिला सके। और तो और, एक औरत की खूबसूरती उसके लिए सब कुछ होती है, उसका हुलिया, उसके बाल, उसकी शक्ल, उसका लिबास, उसका चेहरा, उसकी एक एक चीज़ और उसका किरदार। इनको भेस बदलना पड़ा, एक औरत से इनको मर्द का भेस बदलना पड़ा, माशरे की वजह से, माशरे की गंदी निगाह की वजह से, अपनी इज्जत को बचाने के लिए, काम करने के लिए, रिस्क हलाल कमाने के लिए इनको अपना भेस बदलना पड़ा। चंद लोगों ने सारे माशरे को ख़राब करके रख दिया। आज बेटी 15 साल की हो गई है। आज माशाल्लाह 15 साल की है। कितनी खुशी होती है बहुत उसको ज़्यादा देख के। बाबा की डिमांड करती है? करती थी, तो अभी बल्कि रिसेंटली लास्ट वीक की 8-10 दिन पुरानी बात है, तब उसने मुझे कहा मेरे बाबा का है तो मुझे मेरे बाबा के पास जाना है। तो मुझे थोड़ा सा, मतलब मैंने इतने साल जिस तरह से सेक्रीफाइस किए और तमाम चीज़ें, तो उसने एक ज़िद पकड़ ली थी, वो ये थी कराची में उस वक्त अभी। तो मैंने कहा एक काम करो तुम, जो ना वहाँ पे उसको ढूंढो, मुझे तो नहीं मालूम है किधर है, क्योंकि 15 साल बाद उसने मुझसे ये जिक्र अपने वालिद का किया है, उसे पहले उसने कभी नहीं जिक्र किया। तो मैंने कहा एक काम करो ढूंढो, और ढूंढने के बाद जो ना तुम अगर रहना चाहती हो तुम रह लो, फिर मेरे पीछे। जिसने अपनी बीवी को नहीं रखा, बच्चा पैदा होते ही छोड़ के चला गया, वो क्या रखेगा वृद्धा को? तो मैंने उसको कहाँ समझ, जिसको ये नहीं पता था कि बेटा या बेटी है, वो कहाँ से अपनी औलाद को रखेगा? जिस मुश्किल हालात में जब आप थी, जब बच्ची को पाल रही थी कि अपना भेस तक बदलना पड़ गया आपको, उसने उस वक्त रोटी नहीं खिलाई तो अब क्या खिलाएगा? अब सबसे मैं रिक्वेस्ट करूँगी काइंडली, अगर कोई मदद करना चाहता है तो प्लीज़ मेरी इस बहन की मदद कीजिए। इसने घर बनाना है, हॉस्टल में रहती है, अपनी बच्ची को भी हॉस्टल में रखा हुआ है, इसके पास छत नहीं है। इसकी भी ख्वाहिशें होंगी, इसकी बेटी की भी ख्वाहिशें होंगी, इसकी ख्वाहिश को पूरा कीजिए ताकि एक नॉर्मल लाइफ जी सके, इसके सर पे छत हो, ये अपना वापस ये हुलिया, औरतों वाला हुलिया कर सके, एक माशरे में तरीके से चल सके।